Hello, my dear students. This is Swati Chavla. Welcome to my series for CBSE Class 12th Computer Science with Python. In this video, we are going to discuss three most important commands: order by, group by, and having. If you have to attempt your board exam, तो आई एम 110% श्योर इसमें से आपका SQL की जो कमांड्स है, जो क्वेश्चंस है, वो आएगा ही आएगा. ऑर्डर बाय पर भी जनरली आते हैं, ग्रुप बाय पर आता है, बिटवीन ऑपरेटर के थ्रू आता है. सो अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स वेरी केयरफुली. लेट्स स्टार्ट विद ऑर्डर बाय. ऑर्डर बाय, ऑर्डर मीन्स कि यू हैव टू अरेंज द थिंग्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. दैट ऑर्डर कैन बी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. द ऑर्डर बाय क्लॉज अलाउज सॉर्टिंग ऑफ क्वेरी रिजल्ट्स बाय वन और मोर कॉलम्स. वन और मोर कॉलम्स मीन्स, अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे आगे, कि आपने एक कॉलम के साथ दूसरे कॉलम की भी सॉर्टिंग कैसे करते हैं. वेन वट विल बी द सेंटेक्स फॉर दिस, सेलेक्ट कॉलम नेम, जो जो आपने कॉलम नेम्स लिखने हो, फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन, ऑर्डर बाय, जिस कॉलम के थ्रू आपने सॉर्टिंग करनी हो, तो हियर यू हैव टू राइट दैट. As you can see, suppose I want to display the records according to the names in alphabetical order. में मुझे names चाहिए, तो what will be my command? Select. If you want to display all the records, तो then here you have to write the star. From table name student, order by. किस column की करनी है sorting? Names. तो here you have to write the name of the column, that is name. तो as you can see कि जो आपका ये result है, इसमें नेम के कॉलम्स देखो, वैल्यूज, ये सारी आपकी अल्फाबेटिकल वाइज सॉर्ट हो चुकी हैं. इफ़ यू वांट, यू कैन अप्लाई दिस ऑर्डर बाय क्लॉज इन मार्क्स आल्सो. ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आपने सॉर्टिंग करनी हो. नाउ आप अपना जो हमने ऑर्डर बाय लगाते हैं, उसमें कंडीशन के थ्रू भी लगा सकते हैं. ये तो सारे वो रिकॉर्ड्स आ गए जो नेम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग हो गई, बट हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई. Now suppose I want to display the records of those students who secured marks more than 55, और वो मुझे name wise चाहिए. ठीक है, तो what will be the command? Select star from table name where marks greater than 55, order by. ठीक है, किस कॉलम की sorting करनी है? Name. तो इसका जो sequence है वो क्या रहता है बेटा? Select from where then order by. तो एज यू कैन सी, जिसके मार्क्स 55 अबव हैं, ओनली वही रिकॉर्ड शो हो रहे हैं, एंड उसमें जो नेम्स हैं वो आपके क्या हो गए? सॉर्ट. और बाय डिफॉल्ट आपका ऑर्डर कौन सा होता है? असेंडिंग. अभी तक आपने देखा होगा सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में ही आ रहे हैं. ठीक है, और अगर आप चाहो तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए कीवर्ड कौन सा है? ASC. ASC इज यूज टू सॉर्ट द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर. बाय डिफॉल्ट ऑर्डर कौन सा होता है? असेंडिंग ऑर्डर. दैट्स वाई इट इज ऑप्शनल फॉर यू इफ यू वॉन्ट टू सॉर्ट द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर. इट्स ऑप्शनल फॉर यू टू आइदर राइट द कीवर्ड ASC और इवन यू कैन स्किप दिस ऑल्सो. उससे भी सेम रिजल्ट आया. नाउ इफ यू वॉन्ट टू सॉर्ट द रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर, तो फॉर दैट वी आर हैविंग द कीवर्ड DESC. तो एज यू कैन सी, अब मेरा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके जो नेम्स हैं वो शो होंगे. ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, एंड में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर. लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रैक्टिकली फर्स्ट. नाउ एज यू नो कि वी वर वर्किंग ऑन एम्प्लॉय डेटाबेस, इन दैट वी वर हैविंग EMP टेबल. नाउ सपोज आई वॉन्ट टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु आर हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 50,000 और उनके नेम वाइज सॉर्टिंग करनी. पहले हम देखेंगे सिर्फ 50,000 अबव वाले. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000. ठीक है, ये सारे आ गए. अब देखो क्या ये मेरे जो नेम्स हैं वो अकॉर्डिंगली सॉर्ट हैं? नहीं. या वो सैलरी वाइज सॉर्ट हैं? नहीं. तो इट्स अप टू यू कि आपने किसके अकॉर्डिंग जो है सॉर्टिंग करनी है. लेट्स सपोज आई एम डूइंग द सॉर्टिंग ऑर्डर बाय ई नेम DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर.
तो अब ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो रहा है। अगर मैं इस डिसेंडिंग ऑर्डर को हटा दूँ तो ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में शो होगा। असेंडिंग ऑर्डर अगर हम नेम्स की बात करें तो फ्रॉम ए टू जेड, और डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम जेड टू ए। इस तरीके से आप अपनी कंडीशंस कॉलम पर अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन सॉर्ट इट अकॉर्डिंग टू सैलरी आल्सो। नाउ सी, ठीक है, दिस इज एन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जस्ट यू हैव टू चेंज द कीवर्ड एंड दैट इज डी ई एस सी। नाउ वी विल सी कि अगर हमें एक से ज़्यादा कॉलम की सॉर्टिंग करनी हो, पहले इसका मतलब समझते हैं क्या है ऑर्डर बाय मोर देन वन कॉलम। अब मुझे क्या करना है कि जो मेरी ओरिजिनल टेबल है उसमें मिक्स डेटा है, स्टूडेंट्स का स्ट्रीम वाइज भी डेटा है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे जो डेटा मेरे पास आए वो स्ट्रीम वाइज आए, मीन्स पहले कॉमर्स के सारे स्टूडेंट्स आ जाएँ, फिर ह्यूमैनिटीज़ के, फिर मेडिकल के, फिर नॉन मेडिकल के। और जब मैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स के नेम्स की लिस्ट मांगूँ तो मुझे वो नेम्स भी सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या कमांड होएगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट ऑर्डर बाय स्ट्रीम असेंडिंग, दैट मीन्स स्ट्रीम को असेंडिंग ऑर्डर में कर दो। अब स्ट्रीम मेरी कौन कौन सी है, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, मेडिकल, नॉन मेडिकल। अब एज यू कैन सी ये मेरी सारी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई। अब अगर मुझे उसके अकॉर्डिंग नेम्स को भी सॉर्ट करना है तो नेम ए एस सी कोमा लगा कर लिख देंगे हम बस। अब देखो जो मेरे पास कॉमर्स के स्ट्रीम में 3 स्टूडेंट्स हैं, गरिमा, नेहा एंड निशा, उन तीनों के नेम सॉर्ट हैं। ऐसे ह्यूमैनिटीज़ में आई एम हैविंग 2 स्टूडेंट्स, रिचा एंड शिखा, इन दोनों के नेम सॉर्ट हो गए। इस तरीके से हम अपनी जो ऑर्डर बाय क्लोज है इसको हम मल्टीपल कॉलम्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रैक्टिकली ऑन आवर एम्प्लॉय टेबल। दिस इज़ आवर ओरिजिनल डेटा। नाउ सपोज अब मेरे को डिपार्टमेंट वाइज चेक करना है, ठीक है, तो सेलेक्ट, पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट। तो अब देखो जो मेरा डिपार्टमेंट वाइज ही ऑर्डर हो गया, पहले जो नल जिसकी कोई वैल्यू नहीं है असेंडिंग ऑर्डर में वो सबसे पहले आएगा। फिर अगर हम अल्फ़ाबेटिकल वाइज चेक करूँ FMPS, तो फाइनेंस, मार्केटिंग, परचेज और सेल्स डिपार्टमेंट वाइज तो ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब जैसे मेरे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट में आई एम हैविंग 3 एम्प्लॉयज, निशा, शशांक एंड अनामिका, अब ये तो सॉर्ट नहीं है। नाउ आई वांट कि मुझे डिपार्टमेंट वाइज जो एम्प्लॉयज हैं उनकी भी सॉर्टिंग करनी है, सो आई हैव टू राइट जस्ट दिस ई नेम। और इट्स इफ यू वांट टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इट्स ऑप्शनल टू राइट ए एस सी, अदरवाइज यू कैन लीव दिस एज इट इज। तो नाउ यू कैन सी जो मेरे पास फाइनेंस के 3 एम्प्लॉयज हैं, अनामिका, निशा और शशांक, ये तीनों ऑर्डर वाइज अरेंज हो गए। फिर मार्केटिंग में नेहा और शेखर हो गए अरेंज, फिर परचेज में एक ही है, ऐसे ही सेल्स में भी मेरे तीनों अरेंज हो गए, ठीक है। आप इसको कंपेयर कर सकते हो इस वाली टेबल से। अब जैसे सेल्स डिपार्टमेंट की बात करें, सुशील, पवित्र एंड कनिष्का, तो अगर मैं नेम वाइज भी सॉर्टिंग कर रही हूँ तो अल्फ़ाबेटिकल वाइज, तो कनिष्का क्या आ जाएगा पहले। इसी तरीके से आप सैलरी वाइज भी सॉर्टिंग कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा या कम सैलरी किसको मिल रही है। तो हमने क्या लिखा, सैलरी, और लेट्स डू दिस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो एज यू कैन सी फाइनेंस में सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, 65,000, और सबसे कम 46,000। इन दिस वे वी कैन डू द सॉर्टिंग ऑन मल्टीपल कॉलम्स ऑल्सो। नाउ आवर नेक्स्ट कमांड इज ग्रुप बाय। ग्रुप बाय अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। इस पर आपका क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है, 110% बनता है। आपने जस्ट क्या करना है, इसका सिंटेक्स ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना। द ग्रुप बाय क्लॉज कम्बाइंस ऑल दोज रिकॉर्ड्स दैट हैव आइडेंटिकल वैल्यूज। इसको एग्जाम्पल से समझो। अब जैसे मेरे पास ये स्ट्रीम का कॉलम है, इसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं। नाउ अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे ऐसा रिजल्ट चाहिए कि आई वॉन्ट टू नो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन कॉमर्स स्ट्रीम, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम एंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्ट्रीम, तो दैट मीन्स मुझे क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। जो आपके कॉलम में सिमिलर टाइप का डेटा होगा उसकी हम क्या करते हैं, जनरली ग्रुपिंग करते हैं। मैं नेम वाले कॉलम की ग्रुपिंग नहीं कर सकती, ठीक है ना, वो आपकी रिक्वायर्ड रहती है रियल लाइफ में। डेट ऑफ बर्थ में अगर ग्रुपिंग करनी हो, सपोज आपके पास काफ़ी सारी डेट्स हैं,
1990 की ग्रुपिंग हो जाएगी इस तरीके से. नाउ सी द डेफिनेशन. द ग्रुप बाय क्लॉज कंबाइंस ऑल दोज रिकॉर्ड्स दैट हैव आइडेंटिकल वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर फील्ड. मीन्स जो आपकी पर्टिकुलर ये वाली फील्ड है इसमें जो आइडेंटिकल वैल्यूज हैं उसको ये कंबाइन कर देगा, मीन्स ग्रुप कर देगा. तो दैट मीन्स ग्रुप बाय. और ग्रुप बाय के साथ जनरली आपका एग्रीगेट फंक्शन यूज होता ही होता है. और इसका सिंटेक्स क्या रहेगा बेटा, सेलेक्ट कॉलम नेम कोमा एग्रीगेट फंक्शन. कि अगर आपने काउंट करने हैं फॉर दैट वी आर हैविंग काउंट फंक्शन. सम करना है तो सम फंक्शन. इस तरीके से फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय कॉलम नेम, जिस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है. और इसमें एक ट्रिक ये रहती है कि जिस कॉलम की हमें ग्रुपिंग करनी है जनरली वो कॉलम का नेम यहाँ पर ग्रुप बाय के साथ भी आएगा और वहाँ भी लिखोगे, सो दैट आपको पता लग जाए कि किस कॉलम के करस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यूज हैं. दिस इज माई ओरिजिनल टेबल. नाउ हमने ग्रुपिंग करी स्ट्रीम वाइज. सेलेक्ट स्टार कोमा काउंट स्टार. काउंट स्टार वो सारी वैल्यूज काउंट करेगा. फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय स्ट्रीम. अब देखो कॉमर्स में कितने स्टूडेंट्स हैं, 3. ह्यूमैनिटीज में 2. मेडिकल में 2. इस तरीके से. तो ये आपकी स्ट्रीम वाइज क्या हो गई, ग्रुपिंग. लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रैक्टिकली नाउ. नाउ सपोज आई वॉन्ट टू डू द ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट वाइज. सेलेक्ट डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग करनी है. डिपार्टमेंट कॉमा. सपोज मुझे काउंट करने हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं. काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय किस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है, डिपार्टमेंट. तो एज यू कैन सी परचेज डिपार्टमेंट में 1 है, सेल्स डिपार्टमेंट में 3, फाइनेंस डिपार्टमेंट आई हैविंग 3 एम्प्लॉयज, मार्केटिंग में 2 और नल जिसकी वैल्यू है उसमें 1. आपको अगर ये चेक करना हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में मेल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, फीमेल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, तो फॉर दैट वी हैव टू डू द ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर्स. लेट्स डू दिस नाउ. सेलेक्ट जेंडर काउंट स्टार फ्रॉम टेबल ग्रुप बाय जेंडर. ठीक है, मेल एम्प्लॉयज़ 6 हैं और फीमेल एम्प्लॉयज़ 4 हैं. इसका जो सिंटेक्स लिखने का मेथड है, एक एग्रीगेट फंक्शन आएगा प्लस जिस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है वो तो आएगा ही आएगा यहाँ पर. ठीक है, अगर मुझे सैलरी देखनी हो, सभी की सैलरी का सम, काउंट स्टार कर दिया कोमा सम सैलरी. तो अब ये मुझे क्या शो कर रहा है कि जो मेरी 6 मेल एम्प्लॉयज़ हैं उन सब की सैलरी का सम ये है. मीन्स मैं मेल स्टाफ को इतनी सैलरी दे रही हूँ और फीमेल स्टाफ को इतनी सैलरी दे रही हूँ. तो इस तरीके से आप अपनी ग्रुपिंग कर सकते. नेक्स्ट इज हैविंग क्लॉज. हैविंग आपका कब यूज़ होगा, अगर मुझे ग्रुप बाय पर कंडीशन लगानी हो. अगर मेरी सेलेक्ट में रोज़ हैं उनमें कंडीशन लगाने के लिए हम वेयर यूज़ करते हैं, ग्रुप बाय पर कंडीशन लगाने के लिए हैविंग यूज़ करेंगे. हैविंग क्लॉज प्लेसेस कंडीशन ऑन ग्रुप्स इन कंट्रास्ट टू वेयर क्लॉज दैट प्लेसेस कंडीशन ऑन द इंडिविजुअल रोज. सेलेक्ट कॉलम नेम एग्रीगेट फंक्शन लिखेंगे. फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय, यहाँ पर क्या आएगा, ग्रुप बाय के बाद कॉलम का नेम, जिस कॉलम की आपने ग्रुपिंग करनी है. हैविंग कंडीशन और उसके बाद एंड में क्या आएगा बेटा, सेमी कॉलम. ठीक है, तो एंड यहाँ पे आपकी ये कमांड टर्मिनेट हो जाएगी. सेलेक्ट स्ट्रीम काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय स्ट्रीम हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 2. दैट मीन्स ये मुझे सिर्फ उन्हीं स्ट्रीम की वैल्यूज देगा जिसमें मेरे पास 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रैक्टिकली नाउ. Let me show you my first grouping command. ये department wise grouping करी थी. ठीक है, now I want कि जिस भी department में 2 से या 2 या 2 से कम employees हैं तो condition किस पे लगेगी, having count star. ठीक है, greater than equals to 2. कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा वाले एम्प्लॉयज़ देखने किस में हैं, तो सेल्स में 3 एम्प्लॉयज़, फाइनेंस में 3 और मार्केटिंग में 2. इन दिस वे वी कैन अप्लाई द हैविंग क्लॉज आल्सो. आई होप योर कॉन्सेप्ट्स आर क्रिस्टल क्लियर नाउ. इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then,
Keep watching, keep studying.